हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं ये मार्क्यू टैग जब भी वेबसाइट बनाना हो तो काफी आपके लिए हेल्पफुल होता है। अब इस मार्क्यू टैग के अंदर आपने शायद स्क्रॉलिंग अमाउंट सेट नहीं किया होगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर डायरेक्शन तो आप देख ही सकते हैं, यहां पे अप है, फिर इधर राइट है, फिर इधर लेफ्ट है, फिर यहां राइट कर दिया है, लेकिन स्क्रॉलिंग अमाउंट जरा ध्यान दीजिए, स्क्रॉलिंग अमाउंट यहां 1 रखा, फिर मैंने इसको फास्ट कर दिया तो ये 12 कर दिया, और फास्ट कर दिया तो यहां 20 कर दिया, और सबसे ज्यादा फास्ट कर दिया तो 50 कर दिया। तो यहां पर अब इसको सेव करने की बारी है, इसको चलाएंगे, देखेंगे ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहां पर इसको सेव करता हूं, तो किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं आप, तो यहां पे scroll.html के नाम से सेव करता हूं और इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं, ठीक है। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, उसी लोकेशन से आपको इसे उठाना होगा। तो ये डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है और यहां पे ये स्क्रॉल के नाम से आ चुका है, देख सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। और ये देखिए, ये देख सकते हैं ये कितना फास्ट जा रहा है, ये जो दूसरा वाला है ये इन कंपैरिजन टू स्लो है, ये थोड़ा उससे फास्ट है, और ये सबसे स्लो है जो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं यहां से डायरेक्शन चेंज कर देता हूं तो आप और क्लियरली देख पाओगे, जैसे यहां पे ये अप रखा है मैंने, इसे अगर मैं वापिस से कर देता हूं लेफ्ट, LEFT, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही चला जाता है, लेकिन चलिए हम डायरेक्शन भी दे देते हैं, तो ये लेफ्ट कर दिया, सेव कर दिया, और फिर यहां से इसको ये कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से, अब देखिए ये चेंजिंग हो गई, और यहां पे देखिए ये कुछ इस तरह बहुत स्लो आ रहा है, ये देख सकते हैं ये कितना स्लो चल रहा है, क्योंकि स्क्रॉलिंग अमाउंट बहुत कम कर दिया गया, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया है। तो जिस भी तरह का स्क्रॉलिंग आपको लगाना हो, आप आसानी के साथ इस एट्रीब्यूट के साथ सेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या है आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट करके एट्रीब्यूट लगेगा, यहाँ पे जो अमाउंट दे देंगे उसके हिसाब से काम करेगा। अब देखिए ये पहला वाला काफी स्लो चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉलिंग अमाउंट चेंज करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कर दिया 50, अब ये 50 जैसे करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करने लगेगा। 60 कर देते हैं, 50 के बजाय 60, सबसे ज्यादा हो जाएगा ये, और देखिए यही चीज कितना फास्ट मूव करेगी, अब ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है, देख सकते हैं ना। अब देखिए इसको मैं अगर चला देता हूं तो ये देखिए, ये अभी देखिए कितना फास्ट हो गया, ये वाला है, ये ऊपर वाला, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया। अब इसको थोड़ा स्लो करना है तो क्या करेंगे, यहां से जाकर के थोड़ा इसको ये कम कर देंगे, या 30 कर देते हैं, तो 30 करेंगे तो थोड़ा सा स्लो इसमें हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से बहुत फास्ट जा रहा है सबसे ऊपर वाला, अभी देखिए अभी ये स्लो हो गया, अभी ये धीरे धीरे जाने लगा, ठीक है। और स्लो करना चाहते हैं और कम कर सकते हैं। आई होप कि ये मार्क्यू वाली बात समझ में आई होगी, ये वेबसाइट बनाने में काफी कारगर होता है, तो जरूर सीख लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।